राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 11 राइस मिल को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। इसके बाद चावल उपार्जन आदेश 2016 के उल्लंघन का यह पूरा मामला है। कलेक्टर एस भारतीदासन ने जारी किया आदेश, सत्यनारायण नथुलाल मिल, मुनका राइस मिल ब्लैक लिस्ट, पंजवानी फूड्स संजय ग्रेन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ब्लैक लिस्टेड, दशमेश इंडस्ट्रीज एनबीए फूड्स को भी ब्लैक लिस्टेड किया गया है। तो 11 राइस मिलों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, बड़ी कार्यवाही रायपुर में देखने को मिली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से संवाददाता निधि प्रसाद जुड़ी है। निधि, किस तरह की यह कार्यवाही है, 11 मिलों को ब्लैक लिस्टेड करने की बात सामने आ रही है? बताएं तो काफी बड़ी कार्रवाई एक तरफ से की गई है कलेक्टर द्वारा। छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के जो प्रावधान थे उसका उल्लंघन करने के लिए इन जो 11 राइस मिल है रायपुर, राजधानी रायपुर के, इन्हें अब कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन द्वारा सूचीबद्ध तरीके से ब्लैक लिस्टेड किया गया है। अगर हम बात करें तो एक तरह का प्रोसेस होता है कि जो पंजीकृत मिल है उसमें जो वार्षिक मिलिंग की क्षमता होती है उसमें आधे मिलिंग की क्षमता का उपयोग उन्हें कस्टम मिलिंग के लिए करना होता है, और इसी के तहत जिले की जो 11 अरवा राइस मिल है उन्हें, उनके द्वारा जो शासकीय धान के कस्टम मिलिंग के खरीफ जो विपणन वर्ष के जो धान उठाव होते हैं वो धान का उठाव ही इनके मिल द्वारा किया ही नहीं गया है। यानी कि अगर हम बात करें तो केवल मिलिंग के लिए आधी कस्टम मिलिंग की क्षमता की सिर्फ बात कर रही है, लेकिन यहाँ तो केवल जो धान का उठाव होता है वो तक नहीं किया गया है। जो कि अगर हम बात करें तो 1955 की धारा 3(7) के अंतर्गत दंडनीय है, और इस वजह से ही कलेक्टर एस भारतीदासन ने अब इन 11 मिलों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। और केवल ये कार्रवाई अभी नहीं की गई है, इसके पहले भी अगर हम बात करें तो इन 11 मिलों को कस्टम मिलिंग की कार्य में सूची के लिए और इसकी कस्टम मिलिंग के लिए पहले से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, निर्देशित किया गया था। बावजूद इसके जो धान का उठाव है ये इन मिलों द्वारा किया ही नहीं गया, जिसे देखते हुए अब एक बड़े एक्शन मोड में कलेक्टर आए हैं और जो राजधानी के 11 मिल है उन्हें तत्काल रूप से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। निधि, एक सवाल यहाँ पर यह बनता है, राजधानी रायपुर में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, ऐसे ही तमाम सारी मिलें पूरे छत्तीसगढ़ में हैं, क्या इसके बाद कहीं ना कहीं अन्य जगहों पर जब इस तरह की चीजें सामने आने की बात है या फिर इस तरह की चीजें आ सकती हैं, तो इसको लेकर क्या सरकार का एक्शन आगे भी अन्य जगहों पर भी देखने को मिलेगा, क्या कुछ खबर सरकार के स्तर पर इसको लेकर आई है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि एक तरह से एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी बनता जा रहा था धान का उठाव और कस्टम मिलिंग, भाजपा लगातार राज्य सरकार पर आरोप लगाती चली आ रही थी, लेकिन अगर हम बात करें तो कलेक्टर द्वारा जो ये एक तरह की कार्रवाई की गई है तो उसने साफ तौर पर अगर हम बात करें तो ये स्पष्ट किया है कि सरकार जो है वो गलत होने पर भी तत्काल रूप से एक्शन मोड पर आती है, और जितने 11 मिल है उन्हें अब उनकी इस गलती की सजा भी कलेक्टर द्वारा दी गई है, उन्हें अब ब्लैक लिस्टेड किया गया है। और वाकई ये जो अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है इससे जो बाकी के छत्तीसगढ़ के मिल होंगे जिनमें इस तरह की खामियां होंगी वो कहीं ना कहीं अब डरेंगे, और जो जिन्होंने मिलिंग के लिए धान का उठाव किया ही नहीं होगा कहीं ना कहीं अब वो धान का उठाव करेंगे इस डर की वजह से कि कहीं उनके जो मिल है वो वहां के कलेक्टर ब्लैक लिस्टेड ना कर दे। बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 11 राइस मिलों पर कार्रवाई की गई है, कलेक्टर के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं नियम विरुद्ध ये राइस जो मिल है वो उनकी कार्यप्रणाली थी, और यही कारण है कि ये बड़ा एक्शन रायपुर में राइस मिलों के खिलाफ देखने को मिला है।